नमस्कार, मैं मुलुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ड्रीममेकर। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा 90 डिग्री बैंड का तरह तरह की बैंड, जो कि सिंगल कट से लेके अप टू 6 कट तक मैंने आपको दिखाया। ओके, वो चाहे ड्राइंग में होने दो चाहे लाइव में होने दो दिखाया, लेकिन आज का बैंड सबसे थोड़ा अलग है। ये हम और इसको और ऊपर लेवल में लेके जाने वाले हैं, जो कि 10 कट में बनाएंगे। ओके, पूरा का पूरा 10 कट में, 10 भी कट में ये बैंड बनने वाला है। ये दोस्तों 75 का है। 75 के लिए हमको कुछ 123 mm लेना है, 123 mm लेना है। ओके, 123 कैसे, वो हम एक्चुअली 70 के लिए, 75 के लिए 123 mm लेना है, यही याद रखिए। इसको डिवाइड कीजिए पूरा 10 में, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 12.3 आ रहा है। ओके, 12.3 आ रहा है, तो हमारा एक भी कट यहाँ पर, थोड़ा पास में दिखाओ, देख सकते हैं यहाँ पर एक जो भी कट है, यहाँ से यहाँ ये 12.3 होना चाहिए, ठीक है। ये तो 12 बराबर से हो जाएगा, लेकिन 3 हम अंदाज से करेंगे और कितना करेक्ट आता है ये होने के बाद पता लगेगा। लेकिन हम 240 का केबल लेके आने के लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे यहाँ पर, कुछ इस तरह सा हमको एंगल बनाना है। देख सकते, मैंने अंदाज से एक यहाँ से स्टार्ट किया। दिख रहा है नहीं मालूम नहीं, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, इसको एंगल बना लीजिए। बनाने के बाद इसका मेजरमेंट कर लीजिए। दोस्तों, मेजरमेंट पे हमको अभी यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है 580। ओके, हम क्या करेंगे, सॉरी 580, तो हमको 580 तो 250 होता है, 500 का हाफ हो, 80 का हाफ हो 90। ओके, 290 में हम एक मार्किंग करेंगे, 290 मार्किंग करने के बाद हमको अर्धा अर्धा मिल गया। ओके, यहाँ पर अभी 3 भी कट हो जाएगा। देख सकते हैं हम इतना बड़ा बैंड बनाएंगे तो ये केबल आराम से बैठ सकता है। इसको अभी 10 भाग करेंगे, 10 भाग तो नहीं चाहिए, कितना चाहिए वो सेंटर का हिस्सा वो देखेंगे। 10 बी कट बनाएंगे, बट सेंटर का हिस्सा शायद उससे एक कम होगा, 9 होगा शायद, तो देखेंगे। पहले 2 बी कट के लिए एक सेंटर का हिस्सा चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये बना रहा हूँ थोड़ा, ये 2 भी कट के लिए एक सेंटर का हिस्सा, और एक भी कट के लिए और एक सेंटर का हिस्सा, तो 3 के लिए 2 जैसे सेंटर का हिस्सा चाहिए हमको, ऐसा 9 ए सेंटर का हिस्सा चाहिए, 9 पीस। ओके, ये 9 पीस का मेजरमेंट हम, हमको यहाँ से मिलेगा, एक एंगल बना के हम इतना बड़ा, यहाँ से हम ये सेंटर वाला हिस्सा कितना मेजरमेंट का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा निकलते हैं, जैसे ये हो गया,
इसका सेंटर, ये हो गया 320 है, तो 150 160 हो गया, तो 160 कहाँ पर आता है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 160 होता है, 170 हो गया, 170 का हाफ 85 होता है, ठीक है। वो यहाँ पर देखिए, 1 2 3 हो गया, और ये 3 हो गया, 6 6 12 हो जाता है, लेकिन इससे थोड़ा हमको बड़ा रखना है, क्योंकि 9 होना चाहिए। ओके, हम एक का मेजरमेंट ऐसे अंदाज में कर लेंगे, इसका एक्यूरेट हिसाब ऐसे 12 हो गया तो उससे कम हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 सॉरी ये 8 हो गया, 8 हो गया तो इससे कम थोड़ा लेना है, देख सकते हैं 8 का, 8 के लिए ये 90 mm होता है, हाँ सेंटर के साथ 1 2 3 4 ओके, 4 है तो ये 8 पीस निकल सकता है, वो 8 नहीं लेकिन हमको 9 चाहिए तो हम और थोड़ा इससे कम करेंगे, ओके 10 mm को कम करेंगे, यहाँ पर 80 mm निकल रहा है, हम 70 mm का लेंगे, ओके तो इतना बड़ा बैंड बनेगा, थोड़ा फेस में दिखाओ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप बड़ा छोटा का मेजरमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमको तो उतना बड़ा बनाना है, क्योंकि 240 का केबल आसान से जैसे बैठ सकता है, और ये लगने वाला है जो राइजिंग मैन बोला जाता है, बॉस डॉग भी बोला जाता है, उसका जो एंड फिट यूनिट है वहाँ पर लगने वाला है, कुछ यहाँ पर थोड़ा ट्रे दिखा दूँ आपको, इसके ऊपर में लगने वाला है, और ये मैं बना लेता हूँ, मेजरमेंट कर लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा मेजरमेंट के साथ ये भी कर लिया, ये एक्चुअली मार्किंग इतना ज़्यादा किया, क्योंकि 3 मार्किंग आपको मालूम नहीं होगा, जब मैं ए साइड वो साइड ओनली सेंटर में कर देता तो आपको मालूम नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये मार्किंग कर लिया। और अभी बारी आता है कटिंग करने का, तो देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा हम दोनों साइड कट करेगा, और नीचे का हिस्सा जो ये साइड को थोड़ा चाहिए, ओके इसीलिए ये साइड को उठा दिया, क्योंकि एकदम छोटा सा बी कट होगा वो साइड में, इसीलिए ऐसा कर दिया। और ज़्यादातर आप पतला वाला मार्कर का यूज कीजिए, क्योंकि पतला वाला मार्कर में ही ये मेजरमेंट आ सकता है, नहीं तो 12 mm एक मोटा मार्कर तो 3 4 mm आ जाता है, इसीलिए पतला मार्कर यूज कीजिए। अभी कटिंग का बारी आता है, हम इसको थोड़ा सा छोटा ब्लेड यूज करेंगे, क्योंकि बड़ा और नया ब्लेड यूज करेंगे तो वो ज़्यादा एमएम खा जाएगा, इसीलिए
छोटा ब्लेड यूज करेंगे। ओके, ये पूरा का पूरा मैं भी कट कर लेता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों देख सकते हैं ये हमने बेंड बना लिया, बट हमको क्या है कि ये जो जागा में लगाना है इसका आधा हिस्सा कटिंग करना है, क्योंकि ये एक के ऊपर बैठने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए अभी देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है 90 डिग्री, लेकिन हमको यहाँ से ऐसे स्ट्रेट करके काटना है जो कि दूसरा एक ट्रे के ऊपर बिठाना लेके। ओके, दोस्तों देखिए मैंने जो अर्धा हिस्सा कटिंग करने को बात कर रहा था ये कटिंग हमने कर लिया। ये आपको अजीब तरह का दिख रहा होगा, लेकिन ये जब एक रिब में बैठेगा ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से ये सेट होने वाला है। होगा तो ये सेट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से ये सेट हो जाएगा तो ये पूरा एकदम फिनिशिंग की तरह दिखेगा। ओके, ये थोड़ा प्रेस करके हम इसको टांका मारेंगे तो ये पक्का
टच हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एंगल शेप में आ गया। ओके, ऐसे केबल जाने वाला है। और ऐसे नीचे से इस प्रकार से दिखने वाला है। ये लगाएंगे हम एक्चुअली, ये जो ट्रे है ना, नारायण इधर काम कर रहे हैं, ये जो ट्रे में ऐसे केबल गया हुआ है, इसका पीछे साइड हम लगाना है। ओके, दोस्तों ये जो पेंट हम यहाँ पर लगाने वाले थे, तो यहाँ देख सकते हैं, ये नीचे का कटिंग कर दिया, तो कुछ उसका शेप इस प्रकार से दिख रहा है। ओके, दोस्तों आपने देखा होगा कितना आसान से हमने ये पेंट को पूरा किया। अगर आप भी इस तरह से बिट बाय बिट फॉलो करेंगे, तो सेम 10 कट में आप भी ये पेंट को आसान से पूरा कर सकते हैं। ये वीडियो जब अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक कर लेना। अगर आपका मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। फिर मिलेंगे ऐसे और एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।